हाय गाइस, वेलकम टू द विश्रो ब्लॉग। आज मैं आपका वेलकम बर्तन धोते हुए कर रही हूँ, क्योंकि आज हमारे घर में मेड नहीं आई है, तो आज उसका काम मुझे करना पड़ रहा है। वो लेट आने वाली है और इतना लेट हो गया है अभी। कितना बज गया? आई थिंक 2:30 बज गया और अभी तक नहीं आई है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ही धो देती हूँ, बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ये जो सिंक है पूरा फुल हो चुका है और धोने में टाइम भी लगता है। तो देखिए, मैं अभी आपको दिख रही है कितना सिंक पूरा भरा हुआ है। अभी एक मिनट के अंदर मैंने सारे बर्तन धो देने हैं। एक चुटकी में बर्तन बिल्कुल क्लीन। ये जादू आप हमें भी सिखा देंगे क्या? बिल्कुल नहीं? ये जादू सबको आता है। आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, एक चुटकी बजाना और बर्तन गंदे निकालना, एक दूसरी चुटकी बजाना और बर्तन। अरे भाई, ये चुटकी तो हम सबको सिखाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द विश्रो ब्लॉग। और आज गुजरात में उंदिया करके कुछ चीज होती है, मिक्स वेज होती है, तो वो मम्मी लेकर आई है। हमने घर पे नहीं बनाई है, हमने कोई है उनसे ऑर्डर करी थी। बताइए कि नमस्ते, उंदिया क्या है? तो पहले उंदिया की शक्ल तो दिखाओ, कैसे दिखती है? ये उंदिया, ये हमारे यहाँ जो कल्पेश भाई जिनका हम जिक्र करते थे, उन्होंने उंदिया बनाया। और स्पेशली लेने तो मैं मेथी के लड्डू गई थी, वैसे लड्डू तो हमने बना लिया आप लोगों को मालूम होगा, और ये मेथी के लड्डू लेने गई थी, तो उन्होंने स्पेशली उंदिया दिया। तो दोस्तों, आपको यदि उंदिया का ऑर्डर देना है तो आप ये उंदिया का ऑर्डर उनको, या गुजरात में है। वैसे मैंने इसको जज किया तो हमारे राजस्थान में जो मिक्स वेज अन्नकूट होता है वही, उसी का ये रूप है, और इसे यहाँ पर गुजरात में उंदिया बोलते हैं। तो आप भी खाइए और टेस्ट करके देखा, काफी वैसा ही। पर इसमें सिर्फ वेजिटेबल यूज करिए, और जो वो बनती है उसमें चावल और पकोड़े वकोड़े सब मिक्स होते हैं, तो गुजरात का थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज वैसा ही सेम है। हाँ, तो ये उंदिया और ये मेथी के लड्डू, और हमारे लड्डू तो आपने देख ही लिए होंगे। आज मैं बना रही हूँ दाल के बड़े और मीठे पुए। क्या बना के बनाया आपने, क्या क्या बनाया? ये गुड़ का घोल है, इसमें थोड़ी चीनी डाली थी, गुड़ का घोल और इसके अंदर इलायची पाउडर डाला है। और ये देखिए जितना हमने, तो देखिए आप, ये नई रेसिपी है और इसका सीक्रेट मैं बताऊंगी नहीं, मैं बनाने के बाद बताऊंगी कि ये मेरे सॉफ्ट क्यों बनते हैं। और ये देखिए दाल के बड़े, ये मूंग की और चौले की दाल जो कि आज के दिन बनते हैं, और ये हमारी चढ़ गई है कढ़ाई। और देखिए दोस्तों, तेल खत्म हो चुका है, तो क्या कहते हैं, ये बनना स्टार्ट हो गए हैं अब। हाँ, ये दाल के बड़े बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने देखिए हाथ भी खराब नहीं हो रहे, और चम्मच से, और टाइम पे ये बच्चे लोग धनिया ले आए थे तो धनिया भी डाल दिया मैंने। तो देखिए गोल का कलर कितना, और काय के कौन सी दाल में, ये मूंग की दाल और चौले की दाल, चौले की दाल का उसके बाद आपने मिक्स में पीस लिया इसको। हाँ, और अब ये रोटी का आटा ही लगा हुआ था, तो ये थोड़ी सी है, तो इनके लिए मैंने एक रोटी बना दी। ये बनेंगे तब आपको दिखाएंगे। नमकीन वाले रेडी हो चुके हैं, पकोड़े पुए मीठे पुए। मीठे पुए भी बन गए हैं, ये सब रेडी हो गया, अब इसे खाएंगे बैठ के। पूड़ियाँ, पूरी बनने के बाद पकवान को खाएंगे हम बैठ। ये डिनर रेडी है। तो गाइस देखिए, और कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और स्ट्रीट फूड खाने, कितनी भीड़ लगी हुई है। इवन गाड़ियों की भी काफी लंबी लाइन है यहाँ पे, और ये अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के बाहर ही जगह है। यहाँ पे चालू हो गया, कितनी भीड़ है यार, गजब भीड़ है। साइड देखो, इधर कोई बात कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है। यहाँ पे हॉस्टल एरिया भी है ना आसपास, इसलिए यहाँ पे ज्यादातर लोग बाहर से। बहुत भीड़ है और रात का टाइम हो रहा है, कितने बज रही होगी? भी 10 10 बजे, इतनी भीड़ है। गाइस, रात का नजारा कुछ ऐसा है यहाँ पर,
लगे हुए हैं यहाँ पे, इधर भी लाइटिंग हो रही है, साइड भी यार, हर जगह लाइटिंग से डेकोरेट। ये नया जैन मंदिर बन रहा है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है अभी, ऊपर काम चल रहा है, बट काफी सुंदर लग रहा है यार, मस्त लग रहा है। और इसके जस्ट पीछे हमारा स्टोर है। ये है लॉ गार्डन स्ट्रीट फूड, यहाँ फैमिली की फैमिली आई हुई है और स्ट्रीट फूड का मजा ले रही है। और वैसे आज संडे है और आप जानते हैं ये अहमदाबाद का कल्चर ही है कि सैटरडे संडे घर पे तो खाना खाना ही नहीं है, बाहर जाके ही खाना खाना है, तो बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, हर स्टॉल पे आपको लोग खाते पीते नजर आते रहेंगे और काफी लंबी लाइन रहती है यहाँ पे। गाना आ गया, तो बताइए इन सब स्टॉल के बीच में कितना कंपटीशन रहता होगा, लेकिन कोई भी स्टॉल ऐसी नहीं है जो खाली हो, सब में कोई ना कोई है। घोड़े की राइड देखिए, बग्गी, और यहाँ पे होती है क्या? हाँ, इसमें बैठ सकती है, है? तो मुझे लग ये वो काफी प्यारी बग्गी है यार, कितनी प्यारी बग्गी है। करे में ये बच्चे झूला झूल रहे हैं। एक स्वाति फूड्स। तो ड्राइव करते करते हम पहुंच गए हैं कॉफी कैफे, अब इधर से हम कॉफी पियेंगे, तो कॉफी बाय जी एल बेला में हम आए हैं। बेस्ट शेक पनीर वाला नहीं, बहुत रश है, हमारा सेफ्टी स्पेशल।